ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। अब आदि पुरुष फिल्म की कास्टिंग से कौन सा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ओम राउत? ओम राउत के इस एग्जाम्पल से क्या बॉलीवुड में एक चेंज आ सकेगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके घर में सब कुशल मंगल तो है ना? अपना और अपनों का ख्याल रखिए। समय मुश्किल है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का बॉस। क्यों? अरे मूवीज किस लिए है भाई, और सबसे बड़ी बात हम किस लिए हैं? तो चलिए बात करते हैं आदि पुरुष की कास्टिंग के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में भगवान श्री राम के रोल में दिखेंगे प्रभास, सीता माता के रोल में दिखेंगी कृति सानन, लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे सनी सिंह, और रावण के रोल में नजर आएंगे सैफ अली खान। तो दोस्तों, अभी तक किसी और कैरेक्टर की कास्टिंग के बारे में पता नहीं लगा है। फिल्म है रामायण पर बेस्ड, तो जरूर फिल्म बहुत बड़े स्केल पर ही बनने वाली है, और इसलिए ग्रैंड सेट्स के साथ साथ फिल्म में कई सारे आर्टिस्ट काम करने वाले हैं, और जरूर फिल्म में कई सारे एक्टर्स को चांस मिलने की संभावना है, क्योंकि रामायण के ऊपर बेस्ड फिल्म तो जरूर कई सारे किरदारों की डिमांड करती है। कई सारी छोटी छोटी कहानियां होंगी फिल्म में, जिसके लिए कई सारे एक्टर्स की डिमांड होने वाली है, और ओम राउत भी अच्छे एक्टर्स को उनके ड्यू देने में माहिर हैं। ऐसा उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही साबित कर दिया था। दोस्तों, सैफ अली खान को अक्सर लोग उनकी चार्मिंग बॉय नेक्स्ट डोर रोल में ही देखना पसंद करते हैं, और हम तुम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। मगर असल में हम सबको पता है कि एज एन एक्टर सैफ ने अपना रेंज विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में दिखाया था। सैफ चार्मिंग रोल्स बखूबी निभाते हैं बेशक, लेकिन उन रोल्स के लिए नेशनल अवार्ड पाना थोड़ा सा अविश्वसनीय है। और फिर बाद में ओटीटी के आने के बाद सेक्रेट गेम्स से उनके करियर की सेकेंड इनिंग शुरू हो गई, जिसके बाद ओम को लगा कि सैफी तानाजी द अनसंग वॉरियर में विलन का रोल करने के लिए फिट रहेंगे। और क्योंकि सैफ बाकी खान्स की तरह एक सुपरस्टार नहीं है, इसलिए उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी को उनके ऑफ स्क्रीन स्टारडम ने ओवरपावर नहीं किया, और सैफ को इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसलिए दोस्तों, सैफ इस रोल के लिए है बेस्ट चॉइस। फिर आते हैं प्रभास के पास। प्रभास के अलावा इस फिल्म को कोई और पुल ऑफ नहीं कर पाता। दोस्तों, इस फिल्म में राम जी को एक लार्ज एंड लाइफ स्टाइल में दिखाया जाएगा, जिसके लिए एक स्टार ही चाहिए, और स्टार मतलब अभी बैंकेबल होने के साथ साथ एक क्लीन मीडिया पर्सनालिटी के साथ प्रभास के अलावा कोई और स्टार है ही नहीं। और दोस्तों, रामचंद्र का कैरेक्टर ही तो मनुष्य के सारे अच्छे गुणों के आदर्श होने जैसा है, और इसलिए प्रभास ही बेस्ट चॉइस है। फिर सीता के रोल में है कृति सानन। ये चॉइस थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो सकती है, क्योंकि कृति ने आज तक हमें अपनी एक्टिंग से इतना कुछ तो प्रभावित नहीं दिया है। पानीपत में उन्होंने अच्छा काम जरूर किया था, मगर उसे दिमाग में छपके रह जाने वाला परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, बरेली की बर्फी में उनके काम को हर किसी ने पसंद किया था, हालांकि उस फिल्म के विनर तो राजकुमार निकले। सेम बात सनी सिंह के बारे में भी कही जा सकती है। सनी ने प्यार का पंचनामा 2 में बहुत अच्छा काम किया था। सोनू के टीटू की स्वीटी में भी उन्होंने सराहनीय काम किया, मगर सारी फिल्म्स में उनका स्वभाव बहुत शांत और सुशील प्रकार का था, जबकि लक्ष्मण अक्सर अपने गुस्से के लिए प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते थे लोगों के बीच। अब देखना दोस्तों, ये होगा कि इन दोनों की कास्टिंग के अंजाम कैसा रहता है। अब आप हमें बताइए जल्दी से अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।